नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में बी एंड स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपको फ्रैक्शन भिन्न कराऊंगा जो कि एग्जाम्स में यूपी टेट प्राइम लेवल में पूछे जाते हैं और आप लोग इसको गलत कर जाते हैं। तो ये देखिए सेकंडों में ये सवाल सॉल्यूशन होते हैं, जिससे आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए एक इसमें एक नोट होता है, आपको नोट लिख लीजिए पहले नोट। दो बातें सिर्फ आपको याद रखनी है इसमें, सिर्फ ओनली दो बातें आपको याद रखनी है। अगर अंश और हर में अंतर समान हो, एक बात तो ये है, एक नोट तो ये है, और दूसरा है आपका अंश और हर में अंतर, अंश और हर में अंतर समान ना हो। सिर्फ आपको इसमें दो बातें याद रखनी है, ओनली सिर्फ ये दोनों बातें याद रखनी है। जैसे ये अंश और हर में अंतर समान हो और अंश और हर में अंतर समान ना हो, तो इसका मतलब जैसे ये हमारा यहाँ से एक पूरा क्वेश्चन है, तो हमें इसमें ये यहाँ से एक बिंदी है, एक ये, एक ये, चार है, तो इन चारों में ये देखना है इनमें डिफरेंस न्यूमरेटर डिनोमेटर अंश और हर में। जैसे ये हमारा अंश होता है ऊपर वाला, ये क्या होता है अंश, ये हमारा अंश, अंश और नीचे वाला क्या होता है हर, ठीक है, ये हमारा अंश होता है ऊपर वाला, नीचे वाला होता है हर। तो हमें इन दोनों में अंतर देखना कितना है। देखिए सात और सात में, ये सात बटे दस है, तो इसमें कितने का अंतर है तीन का। ग्यारह और चौदह में कितने का अंतर है तीन का। एक और चार में, एक और तीन में, एक और चार में कितना अंतर है तीन का, और इसमें कितना अंतर है तीन का, ठीक है। तो देखिए अगर हमारा अंतर सब में बराबर आ रहा है, इन सब इसमें 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 चारों में अंतर हमारा बराबर आ रहा है, जब चारों में अंतर बराबर होगा तो जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, यानी कि जिसका अंश छोटा होगा वो वाली भिन्न छोटी होगी और जिसका अंश बड़ा होगा वो वाली भिन्न बड़ी होगी, ठीक है, अगर हमारा अंतर समान है तो। तो देखिए इसका मतलब आपने देख लिया सबका अंतर सेम है, यहां से इरेज कर देता हूं मैं। तो जब अंतर हमारा समान हो गया भैया, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये कौन सा है, छोटा है ये, तो छोटी भिन्न कौन सी हो गई हमारी, छोटी भिन्न हो गई हमारी एक बटे चार। मैंने क्या बताया था, अगर अंतर समान हो, भिन्नों में अंतर हमारा समान आए, तो जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी और जिसका अंश बड़ा वो वाली भिन्न बड़ी। तो सात ग्यारह एक दो, सबसे छोटा किसका, एक है हमारा, तो एक बटे चार हमारी हो गई छोटी भिन्न। बड़ी भिन्न कैसे, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा, ग्यारह, तो ये वाली इसकी हो गई बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न ग्यारह बटे चार। यहां पर एक हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में भी यही आपको देखना है। देखिए पांच और छह में कितने का अंतर है एक का, सात और आठ में कितने का अंतर है एक का, आठ और नौ में एक का, और छह और एक में, छह और सात में एक का अंतर। तो सब में भैया अंतर हमारा कैसा रहा, समान आ रहा है, अंतर हमारा समान आ रहा है, तो जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न, तो छोटा अंश किसका है पांच, तो ये पांच बटे छह हमारी कैसी जाएगी छोटी, कैसी जाएगी छोटी भिन्न, छोटी भिन्न क्या आएगी हमारी पांच बटे छह हो गई छोटी भिन्न, और बड़ी कौन सी हो गई आठ बटे नौ, बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, बड़ी भिन्न आठ बटे नौ, बड़ी भिन्न क्या हो गई हमारी आठ बटे नौ, ठीक है। आपके दोनों क्वेश्चन समझ में दोस्तों आ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए दो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ठीक है। ये तो आपके दोनों समझ में आ गए, फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अंश और हर में अंतर समान हो, अंश और हर में अंतर अगर हमारा समान होगा तो क्या होगा, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न और जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, ठीक है।
अगर अंतर समान ना हो वो दूसरा वाला स्टेप में आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। आपको सिर्फ इसको ही ध्यान रखना है। अगला है हमारा 13/18 और हमारा 11/15 और कितना है 7/12। अब भैया सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें अंतर देखना है समान है या नहीं है। तो देखिए 13 और 18 में कितने का अंतर, 5 का, 11 और 15 में 4 का, इसमें कितने का, 5 का। अंतर हमारा सभी बिंदुओं में समान नहीं हुआ, ठीक है। जब अंतर समान नहीं होगा तो आपको क्या करना है, इस डिजिट को आप पहले भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए। तो हम दोनों डिजिट में करते हैं, ठीक है। जब इन दोनों में करते हैं जैसे 13/18 और ये 11/15, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका यहां से यूं करके इसमें गुणा करना है। क्या करना है, इसका यहां से गुणा करना है और इसका गुणा इसमें करना है, ठीक है। ठीक, तो देखिए 15 थी 45, 45 के 5 हासिल कितने लगे हमारे, 4, और 15 और 4 कितने होते हमारे, 15 कम 15 15 4 कितने होते 19। तो हमारा कितना आया, कितना आया साहब, हमारा कितना आया ये 195। अब 18 का इसमें गुणा करेंगे तो 18 एकम 18 18 के 8 हासिल लग गया 1, 18 एकम 18 18 कितना हो गया 19। तो हमें कौन सी बिंदु निकालनी है, इसी पहले छोटी निकालनी है। तो जब छोटी निकालनी है तो इस बड़ी वाली को हम क्रॉस कर देंगे, तो हमारी छोटी बिंदु कौन सी निकल गई, 13/18 हमारी छोटी बिंदु निकल गई। अब इसका कंपेरिजन इससे करते हैं, ठीक है, इसका कंपेरिजन इससे करते हैं। तो 13/18 और 7/12, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है दोस्तों। जब इसका गुणा इसमें करना है तो देखिए 12 का गुणा कर लीजिए, 12 थी 36 36 के 6 कितना हो जाएगा, 12 थी 36 के 6 हासिल कितना लगा, 3, 12 और 3 कितना हो गया, 15, 156 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 156, ठीक है, 156 हमारा यहाँ हो गया। अब 18 का इसमें करना है, 18 7 कितने होते हैं, 18 5 90 18 126 होते हैं, ठीक है, 126, ठीक ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 7 56 के 6 हासिल 5, 7 और 5 12, ठीक है, 126। अब देखिए दोनों में छोटा कौन सा आ रहा है हमारा दोस्तों, ये छोटा आ रहा है, तो ये हमारी कैसे हो गई, छोटी भिन्न हो गई। कैसी हो गई, छोटी, तो मैं यहां लिख देता हूं छोटी भिन्न, छोटी भिन्न। जब छोटी भिन्न हो गई हमारी 7/12, ठीक है। अब इन दोनों, अब हमें बड़ी निकालनी है, क्या निकालनी है, बड़ी कैसे निकालनी थी, छोटी तो हमारी हो गई, ये तो हमारी हट गई यहां से। अब दोनों डिजिट्स रह गई हमारे पास, कितनी रह गई, 2 डिजिट्स। जब छोटी हमारी हो गई, ये तो छोटी हो गई, अब इन दोनों में से क्या निकालनी है, बड़ी। जब बड़ी भिन्न निकालनी है तो हमारे पास 2 ही डिजिट बची, तो 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 15 थी 45 इसका 13/18 और 11/15। तो 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका यो कर दीजिए गुणा, तो 15 थी 45 के 5 हासिल 4, 15 और 4 19, ठीक। अब इसका करेंगे तो किसमें, 18 कम 18 एक लग गया, 18 कम 18 19, तो 198। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 11/15 हो गई बड़ी, कौन सी होगी दोस्तों, बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 11/11 हमारी 15 हो गई बड़ी भिन्न, ठीक है। ये निकल गया आपका आंसर, ठीक है, कौन सी हो गई, छोटी हमारी 7/12 हो गई, बड़ी हमारी 11/15 हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। चार बटे 15 और 7/8
और 7/18 सॉरी 7/18 और 11/30। इसमें हमें छोटी भिन्न निकालनी है। कौन सी निकालनी दोस्तों? छोटी निकालनी है। तो हम इसमें अंतर देख लेते हैं। पहले देखिए इसमें कितने का अंतर है, 11 का। इसमें कितने का अंतर है साहब? 11 का। इसमें कितने का अंतर है? इसमें ज्यादा हो गया था, 19 का हो गया। तो ये हमारा इसमें अंतर समान हमारा नहीं है। तो इसमें किसमें आएगा? अंश और हर में अंतर असमान नहीं है, अंश और हर में अंतर समान ना है। तो इसमें अंतर हमारा समान नहीं है। तो उसी मेथड से इसको करेंगे। 4/15 और 7/18 यो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो 18 चौक कितना होता? 72 और 15 सत्ते 105। तो छोटी भिन्न कौन सी हुई? जब छोटी निकाल ले तो हम बड़ी को हम नहीं लिखते, इसको हम काट देते हैं। तो हमारा अब 4/5, 4/15 और 11/15 में हम 11/30 में हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? तुलना दोनों में। तो ये यहां से यहां हो गया, यहां से इसको यहां क्रॉस कर दीजिए। अब 3 चौक 12 120। अब ये कितना हो जाएगा आपका? 15 कम 15 के 5 1 15 16 165। तो छोटी कौन सी हो गई दोस्तों? 4/5। इसमें हमारी छोटी भिन्न मिल गई। कौन सी मिल गई? छोटी भिन्न क्या मिल गई? 4/15। छोटी भिन्न कौन सी मिली हमें? 4/15 मिली। ठीक है, अब बड़ी को निकालेंगे। 4/15 तो यहां से कैंसिल हो गई, 4/15 तो कैंसिल आउट हो गई हमारी, ये तो खत्म। अब ये निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे? इसमें जब इसमें निकालेंगे 7 3 कितना होता है? 21। जब यो इसको यो कर देंगे इधर से यो मल्टीप्लाई 7 3 21, ये इसको हम यो करते हैं, नीचे से ऊपर करना है। ठीक है, 7 3 21 तो 210 हो गया ये। अब देखिए 11 का इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? 18 का, 18 1 18 18 1 18 19। तो कौन सी मिली बड़ी? 7/18। 7/18 हमारी बड़ी भिन्न हो गई। बड़ी भिन्न क्या हुई? बड़ी भिन्न हो गई हमारी 7/18 दोस्तों। ठीक है, ये हमारा ये छोटी भिन्न हो गई 4/15 और बड़ी भिन्न हो गई 7/18। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूं आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको आरोही और अवरोही वाला और कराने जा रहा हूं, लेकिन वीडियो के अंत तक आप बने रहे, स्किप करके वीडियो ना देखें। ठीक है, तो चलिए अगले में चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारी डेट हो गई, ये भिन्न हो गई 5/8, 3/5 और 8/9। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं? अंतर देखते हैं। क्या देखते हैं? अंतर। क्या देखेंगे? अंतर कितने कितने का इसमें अंतर है। तो देखिए 5 और 8 में कितने का अंतर? 3 का। 3 में और 5 में 2 का। अब इसमें अंतर अलग अलग है, अंतर हमारा समान इसमें नहीं है। ठीक है, जब अंतर समान नहीं है तो कौन सी कंडीशन है? अंश और हर में अंतर हमारा समान नहीं है। जब समान नहीं है तो क्या करेंगे? इसको थोड़ी के भूल जाएंगे, इसे हम यहाँ पे कंपैरिजन इसको कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 5/8 और 3/5, तो इसको यहां कर लीजिए। 5 का गुणा 5 में 25, इसका कितना होगा? 24। ठीक है, तो हमें कौन सी निकालनी है? आरोही में छोटी निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालनी है? आरोही क्रम में सबसे छोटी निकालनी। तो इस बड़ी वाली को हम काट देंगे, ये हमारी छोटी भी नहीं आ गई। अब इसका हम क्या करेंगे? इसके साथ तुलना कर देंगे, इसके साथ कर देंगे तुलना। ये तो हमारा कट गया यहां से। अब इसके तुलना कर देंगे तो 8/9, इसको यहां क्रॉस कर देंगे, 9 3 27, 8 5 40। तो कौन सी भिन्न हो गई? 3/5 हमारी पहले सबसे छोटी भिन्न आई। कौन सी आई पहले? 3/5 हमारी आ गई। ठीक है, जब 3/5 आ गई हमें कितने का आरोही क्रम में, तो पहले हमारे आ गया 3/5। ठीक, अब 3/5 तो दोस्तों यहां से हट गया। अब बचा हमारा 5/8 और 8/9। इसमें देखें, देखिए 9 5 45, 8 2 64,
तो कौन सी आ गई ये, तो दूसरी हमें ये मिल गई। अब हमें क्या लिखना था, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में हमें इसको लिखना था, आरोही क्रम। जब इसको आरोही क्रम में हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमारी कौन सी आई थी, 3/5, कौन सी दोस्तों, 3/5, इससे बड़ी कौन सी हो गई ये, ठीक है, तो ये हमारी कौन सी, 5/8, तो दोस्तों ये 5/8 हो गई। अब हमारी लास्ट में कौन सी होती है, 8/9, तो ये हो गई 8/9, ये हमारा हो गया आरोही क्रम। देखिए एक चीज ध्यान रखना इसमें, जिधर इसकी नोक होती है उधर ये छोटा होता है, क्या होता है छोटा, जिधर इसकी पेन की नोक है उधर इसका क्या छोटा है, तो ये नोक इधर है तो ये छोटा है, ये इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा कौन सा, ये, इससे छोटा ये, तो हमारा आरोही क्रम में एक हमारा ये आंसर लिख गया, ठीक है। दूसरा वाला कराता हूं, चलिए आपको एक और इसके 4 डिजिट्स का कराने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं अगला वाला आपको करा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अगला वाला है हमारा ये पॉइंट, तो ये हमारा 3/20, 9/20, 11/15 और 7/12, तो हमें इसमें आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, किस क्रम में करना, आरोही में, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ हमें व्यवस्थित इसको करना है। तो पहले देखिए हम इसमें 2 डिजिट्स में करते हैं, इन दोनों को भूल जाते हैं, इन दोनों में हम कंपेरिजन करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो कंपेरिजन करेंगे तो 3/20 और 9/20, तो इसको हम क्यों कर देंगे सबसे पहले, ठीक है, तो 3 × 2 = 6, तो कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 180, तो 9 × 18 = 180 हो गया, ठीक। तो सबसे छोटी कौन सी आई हमारी, ये, तो हम इसको मिटा देंगे, इसको हमने यहां से इसको मिटा दिया, सबसे छोटी बना आ रही हमारी ये 3/20। अब इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको देखेंगे 11/15 के साथ कंपेयर करके देखते हैं, तो देखिए इसको 15 × 3 = 45, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 2 = 22, 220, तो अब ये भी बड़ी है, एक बड़ी है तो इसको भी हटा देंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे, इसे हमने मिटा दिया, अब भी यही हमारी छोटी निकल रही है। अब 7/ इससे कंपेयर करते हैं, इससे करते हैं, तो इससे भी देखिए इसी प्रकार कर लेंगे हम, 12 × 36, और ये कितना हो गया 140, तो हमें छोटी बिन मिल गई 3/20, कितनी मिली हमें 3/20 हमें मिल गई छोटी, सबसे छोटी मिल गई 3/20। अब देखते हैं इसे हम मिटा देंगे यहां से, ठीक है। अब 3/20 को तो हम भूल जाएंगे, अब इन दोनों का कंपेयर करेंगे, कितना करेंगे, इसका 9/20 और 11/15 का, तो इसके बाद यहां से क्रॉस कर लेंगे, तो 15 नंबर कितना होता है 135, 135 हो गया यहाँ, और ये कितना हो गया, दोबारा 220 हो गया, 11 × 2 = 22, 220 हो गया, तो हमारी छोटी कौन सी हुई, ये वाली, ठीक है। तो इसको हम इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, अब इसके साथ इसका कंप्लेन करेंगे, ठीक है, ये तो हमारी बड़ी है, इसको नहीं करना अभी, अब इसको छोड़ देंगे, अब इससे करेंगे कंपेरिजन। अब देखिए यहां से देखते हैं, 12 × 108, और ये कितना हो गया, 7 × 2 = 14 = 140, तो कौन सी निकली छोटी इसमें से, ये हमारी कट गई, क्योंकि हमें आरोही क्रम वाला निकालना था, तो इससे हमारी निकली 9/20, कितनी निकली, तो पहली हमारी कितनी निकली 3/ ये निकली 20, अब हमारी कितनी निकली है 9/20, अभी हमारी इससे बड़ी ये हो गई। अब हमें ये दोनों बचे हैं, अब इन दोनों की तुलना कर लीजिए आप, इन दोनों की तुलना कर लीजिए और क्रॉस करके 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, 11 × 2 = 22 के 2 हाथ से लगे, 2 11 और 2 = 13, 132 हो गया, और 15 × 7 = 105, कौन सी निकली है, तो बड़ी है तो ये निकली, तो 7/
अब आएगी हमारी मम्मी, 7/7 यहाँ पे 12 आ गया, इससे लास्ट में बन जाए 11/15। ये हमारी सबसे बड़ी विंडो है, 11/15 सर। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सबसे बड़ी विंडो है, 11/15। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपके ये समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन, तो इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 100%। ठीक है, तो देखिए आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपके टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए, और बिना पेंसिल उठाए हुए, बिना पेन उठाए आप पेपर में इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब मैंने ये आपको आ रहा, मैं अवरोही वाले और करा रहा हूं दो क्वेश्चन, अवरोही क्रम वाले और आपको दो क्वेश्चन करा देता हूं। यहां पर अवरोही करना है बस। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम कौन सा होता है दोस्तों? बड़े से छोटे की तरफ चलना, बड़े से छोटे की तरफ चलना। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 6/11 और 15/22 और हमारा 19/33, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें पहले इसमें सबसे बड़ा निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? सबसे बड़ा कौन सा है? तो हम इसको भूल जाएंगे कुछ देर के लिए, इन दोनों से हम करते हैं। तो देखिए 6/11 और 15/22, इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो देखिए 6 × 2 = 12 के 2, 1 × 12 = 13, 132 हो गया। अब देखिए 11 × 5 = 55, 55 × 5 हंसल लगे 5, 11 और 5 कितना होता है 16। ठीक है, तो हमारा कौन सी बड़ी ये निकली, तो अब इसको छोटी को काट देना है, क्योंकि हमें बड़ी वाली निकालनी है सबसे पहले, छोटी वाली विंड को काट देना है। तो हमने छोटी वाली को यहां से मिटा दिया, छोटी को हमने यहां से मिटा दिया, क्योंकि ये हमारी बड़ी निकली थी। अब इन दोनों का कर लेते हैं 19/33, तो देखिए इसके इन दोनों का कर लेते हैं दोस्तों, 15 × 45 = 5 हासिल कितने लगे 3 सॉरी 4, 15 × 45, 45 का हासिल लगे 4, और 15 × 45 और कितने होते हैं हमारे, 15 × 4 = 45 और 4 कितने हो गए 49, 495 हो गया। अब यहां से कर लिए 19 × 2 = 38, 38 × 8 हासिल लगे 3, 19 × 2 = 38, 38 × 3 कितना हो गया 41। तो इसमें बड़ी कौन सी निकली? बड़ी निकली हमारी ये 15/12। तो अवरोही क्रम में लिखना था, किसमें लिखना था? अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में लिखना है। तो 15/12 हमारी 12 सबसे क्या निकली है? बड़ी। क्या निकली है? सबसे बड़ी निकली है। तो अब इसको साइन यो लगाएंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी है, इससे छोटी कौन सी है? ये 6/11 और 19/, इसको भी यही करना है हमें, 6 × 3 = 18, 18 × 8 एक, 18 × 1 = 19। ठीक है, अब 11 × 99 = 9, 11 और 9 कितने होते हैं 20। ठीक है, तो सबसे बड़ी हमारी कितनी निकली? ये निकली, इसके बाद ये छोटी है सबसे, तो ये हमारा कितना हो गया 19/33। अब इससे छोटी कौन सी निकली हमारी? 19/33, और लास्ट में सबसे छोटी कौन सी निकली हमारी? 6/11। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अवरोही क्रम वाली का आंसर, सबसे बड़ी है, इससे छोटी है, इससे छोटी है। ठीक है, जिधर की तरफ नॉब उधर छोटा, तो इससे छोटी ये, इससे ये हो गई, इससे छोटी ये हो गई, और इससे छोटी ये हो गई। तो 6/11 हमारी सबसे छोटी हो गई, और 15/22 सबसे हमारी बड़ी हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5/6, 8/9 और 11/12। अब देखिए इनमें अंतर तो हमारा समान है, क्योंकि देखिए एक का अंतर इसमें एक का, इसमें एक का, जब अंतर हमारा समान हो गया तो क्या हो गया, अंश और हर में अंतर असमान
ये वाली कंडीशन है, अंश और हर में अंतर समान हो। जब अंतर हमारा समान है तो जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न है और जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटा है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा अंश है, ये वाला है, तो ये हमारा सबसे क्या हो गया, बड़ी हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई हमारी, क्या हो गई, सबसे बड़ी आरोही क्रम। तो जिसका अंश छोटा वो छोटी, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, लेकिन कब, जब भिन्न में अंश और हर में समान अंतर हो। जब समान इनमें अंतर है, एक एक का, पांच और छह में एक का अंतर, आठ और एक में, आठ और नौ में एक का अंतर, ग्यारह और बारह में एक का अंतर। जब अंतर हमारा समान हो गया तो जो बड़ी तो वो बड़ी, जिसका अंश बड़ा तो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा तो वो छोटी भिन्न। ठीक है, तो अब ये कौन से हो गए, ग्यारह बटे बारह हो गई हमारी सबसे बड़ी। फिर इससे यो, इससे छोटी कौन सी हो गई, आठ बटे नौ। अब इससे छोटी कौन सी हो गई, पांच बटे छ। ये हमारा दोस्तों इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपके दिलों को भी छू गया होगा। तो फिर देखिए दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है, गुजारिश है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि जब भी मेरी वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे एंड बाय। मैं मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपका दिन शुभ हो।